हाँ, चूड़ी वाले सीन में मज़ा ये आया कि जैसे कि अबीरा की आदत है हर बार चैलेंज देने की, तो उसने मुझे चैलेंज दे दिया है कि मैं चाहे जितनी मर्ज़ी चूड़ियाँ पहनाऊँ उसकी बाजू में, उसको परेशानी नहीं होगी। तो मैं उसकी बाजू यहाँ तक भर देता हूँ, दोनों बाजू। तो उसके बाद अभी हम ये सारा चूड़ी पहनाने वाला सारा सीक्वेंस ख़त्म करने के बाद हम रूम में जाने वाले हैं। अभी रूम में जाके वो उन चूड़ियों के साथ कैसे सोती है, कैसे मुझे परेशान करती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो चूड़ियाँ पहनेगी तो परेशानी तो दोनों के लिए ही आएगी ना। रूही के साथ हमेशा बुरी चीज़ें होती है गाइस। रूही हमेशा सैड ही होती है। वो बहुत खुशी खुशी से नीचे आती है, देखती है कि घर में सब सब लोग लेडीज़ को पैम्पर कर रहे हैं। एंड देन अचानक एक चूड़िया वाला आ जाता है। वो चूड़िया वाला कहता है कि आप अपनी वाइफ को चूड़िया पहनाइए। अगर चूड़िया फिट हुई, मतलब कौन सी भी साइज की चूड़िया पहनाइए, पर वो फिट हो जाएगी अगर आप उससे प्यार करते हो। उन्होंने कहा कि ये प्रेम की परीक्षा है, मैं ये परीक्षा उसके लिए देना चाहूंगा। तो फिर सबकी चूड़िया पहना के हो जाता है। अरमान दादी सा के पास आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अरमान मेरे पास आ रहा है। तो मैं खुश हो जाती हूँ एक मोमेंट के लिए कि वाह, अरमान मेरे बारे में इतना सोच रहा है कि वो मेरे पास आके मुझे चूड़िया पहनाएगा, बट नहीं होता है वो। वो दादी सा को चूड़िया पहनाता है। फिर उसके बाद वो अभीरा के पास जाता है। अभीरा के पास वो सारी बड़ी छोटी चूड़िया लेके जाता है, बट अभीरा को वो आ जाती है। सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही सैडनिंग थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मेरे पास आएगा, बट वो नहीं आया। फिर वो अभीरा के पास जाता है और अभीरा को सारी चूड़ियाँ आ जाती है। और उसमें से ही चूड़ियाँ वाले जो है वो थोड़ा सा और नमक मिर्च डाल के मुझे पूछते कि आपके पति नहीं है, आपके पति कहाँ है। तो मुझे वो और बात हिट करती है कि अरे ओ माय गॉड, मतलब मेरी तो सबकी कलाइयाँ भरी हुई है और मेरी एकदम खाली है। तो मुझे वो चीज़ बहुत हिट करती है और फिर मैं भाग के अपने रूम में जाती हूँ। फिर मैं खुद अपने चूड़ियाँ पहनाती हूँ, बिकॉज कोई है नहीं मुझे पहनाने वाला। फिर अरमान देखता है कि मेरी चूड़ियाँ टूट रही है, तो वो जो एक लास्ट बैंगल होता है वो अरमान के हाथ से गलती से मेरे हाथ में चले जाता है। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि वाह, अरमान मेरे बारे में सोच रहा है, अरमान कितना अच्छा है, अरमान अभी भी मेरे बारे में ही सोचता है। और रूही खुश हो जाती है। रूही खुश फिर अरमान के हाथ से उसने बैंगल पहन ली। क्या बोला तुमने?